तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान। सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित हैं भगवान विष्णु के अवतार तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान जी। वहाँ की यात्रा जितनी ही भाग्यपूर्ण है उतनी ही कठिन और महंगी भी है, जिसके चलते बहुत से श्रद्धालु वहाँ नहीं जा पाते। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम धर्मचक्र में। श्रद्धालुओं की आस्था खंडित ना हो इसीलिए यहाँ पर बरेली के राजेंद्र नगर पटेल नगर में स्थित है तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर। इसी कड़ी में आज आपको हम दर्शन कराएंगे तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान के और साथ ही जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। बरेली के राजेंद्र नगर के पटेल नगर क्षेत्र में लगभग 51 वर्ष पूर्व तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इस मंदिर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल G.C. रेड्डी ने 15 अप्रैल 1970 को किया था। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां सभी पूजा अर्चना आंध्र प्रदेश में स्थापित मुख्य देव स्थान की परम्परा के अनुसार दक्षिण भारतीय ढंग से पुजारियों द्वारा सम्पन्न कराई जाती है। दक्षिण भारतीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए IVRI कर्मियों ने वर्ष 1960 में तिरुपति बालाजी समिति बनाई थी। स्थापत्य की दृष्टि से इसमें वास्तु शास्त्र का ध्यान रखा गया है। भगवान वेंकटेश्वर की विशाल मूर्ति के दर्शन से भक्तों में आत्मिक शांति मिलती है। मंदिर के दरवाजे पर ही तिलक शंख चक्र उत्कीर्ण किए गए हैं। बाद में मंडप के दाएं ओर भगवान गणेश और बाईं ओर अंडाल देवी अन्नपूर्णा देवी की स्थापना की गई। इसके बाद मंदिर परिसर में पद्मावती देवी, बजरंगबली, भगवान शंकर, दुर्गा माता, राधा कृष्ण के मंदिरों के साथ ही शनिदेव महाराज और तुलसी जी का स्थान भी बनाया गया है। मुख्य मंदिर और परिसर के अन्य मंदिरों का वास्तु शिल्प दक्षिण शैली का ही है। मंदिर के गेट पर दक्षिण भारत की परंपरा के अनुसार एक विशाल गोपुरम भी बनाया गया है। इस वर्ष 1977 में मंदिर के साथ ही मालती दलाल मंडपम का निर्माण भी कराया गया। लाल रंग के इस मंडपम की छटा दूर से ही देखते बनती है। सर मौजूद हैं गुलशन आनंद जी, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं चाहूँगी आप यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं और कैसी श्रद्धा है आपकी? 1982 में राजेंद्र नगर जब बसा था हम आ गए थे यहाँ, तब से 40 साल हो गए हैं लगातार मैं इस मंदिर का भक्त हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 या 3 बार जो दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर है वहाँ भी गया हूँ। जब वहाँ नहीं जा पाते हैं तो लगता है कि यहाँ सामने नतमस्तक होकर हम सीधे वहाँ पहुँच गए। और जो मूर्ति यहाँ और वहाँ है बिल्कुल सेम है। और दक्षिण भारत के जो प्रकांड पंडित हैं वहाँ पर, वो भी हर साल यहाँ पर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ नतमस्तक होने के बाद फिर बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। आदमी की लालसा तो धन की, ऐश्वर्य की, यश की रहती है, लेकिन यदि आप आंख बंद करके हमें सर झुकाते हैं तो अपने आप को एक अनुभूति होती है कि प्रभु तेरे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। कौन कौन से बदलाव यहाँ होते देखे समय के साथ साथ? मैं मान के चलता हूँ 1982 लेके आज तक बड़ा विराट ये हाल हो गया। और बाकी जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ बनी हैं, जो छोटे मंदिर बने हैं, बहुत सहयोगी हैं, बहुत ट्रस्ट अपने आप में अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, वो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। और भक्त लोग भी यहाँ डेली समय के हिसाब से किसी का सवेरे शाम खूब आने जाने वालों का तांता लगाया था, उनको कुछ प्राप्त होता होगा यहाँ से, तभी आदमी आकर नतमस्तक होता है। हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, आइए बातचीत करते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार। कितने वर्षों से यहाँ पर हैं और क्या श्रद्धा रखती हैं आप? हम लोग यहाँ 2004 से आए हुए हैं, भगवान से जुड़े हैं, भगवान के पूजा में श्रद्धा है। जो पूजा करते हैं मन्नत मानते हैं, भगवान पूरा कर देते हैं मन्नत। श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं, मुख्य आयोजन जैसे होते हैं वार्षिक उत्सव हो गया या कोई त्यौहार हो गया विशेष, तो उस वक्त श्रद्धालुओं का आना जाना किस प्रकार से होता है? बहुत होते हैं, 1000 आदमी, शिवरात्रि में तो 1000 आदमी आते हैं सब भक्त लोग भगवान के दर्शन करने, पूजा करने। 12 तारीख का उत्सव, उसमें भी अपना 1500, 2000, 3000 तक आ जाते हैं। जो मन्नत है वो बालाजी वेंकटेश्वर भगवान के कृपा से पूरा कर देते हैं। बात करते हैं और श्रद्धालुओं से। नमस्कार। नमस्कार। कि जैसे ये मंदिर बरेली में अलग है, सबसे अलग मंदिर है और सब एक ही मंदिर है, तो इसमें श्रद्धालुओं का जुड़ाव किस प्रकार से है?
इसमें श्रद्धालुओं का इस प्रकार है, जैसे बहुत से लोग हैं जो तिरुपति में बहुत श्रद्धा रखते हैं लेकिन वो किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाते क्योंकि वो बहुत दूर है, लेकिन वो यहाँ आ सकते हैं क्योंकि पास भी है मंदिर। और वहाँ तो लाइनें लगानी पड़ती है दर्शन करने के लिए, मुश्किल से 5 मिनट भी दर्शन नहीं हो पाते। यहाँ वो यहाँ आ सकते हैं, घंटों बैठ के अपने भगवान के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, भगवान उनकी इच्छा पूरी करें, वह उनका रूप ही यहाँ पर, वहीं से ये सब भगवान वहीं से आए हुए हैं विशेष रूप से। तो यहाँ का भी महत्व वहाँ के मंदिर से यहाँ का महत्व कम नहीं है, उतना ही यहाँ का भी महत्व है। हमारे साथ और श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार जी, आप कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे तो सिर्फ 1 साल ही हुआ होगा इधर आए हुए। वैसे ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, जब से हम यहाँ पर आए बरेली में करीब हो गया 20 साल, 20 साल से पहले का ये मंदिर है। कि आप यहाँ आते हैं, कैसा अनुभव होता है आपको? तो जब भी हम मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, बस आँखों में उनके जब दर्शन करते ही हैं तो एक अंदर बहुत अच्छी सी अनुभूति होती है, जिसे द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम भगवान से मांगते हैं, दिल से मांगते हैं, हृदय से मांगते हैं, वो भगवान हमारी मनोकामना पूरी करता है। और जब भी हम यहाँ आते हैं दर्शन के लिए आते हैं, मेरा तो वैसे डेली ही है, डेली दर्शन के लिए मैं आती हूँ और भगवान से अपना कह के जाती हूँ कि अगले दिन जब भी मुझे बुलाएं तो अपने अच्छे दर्शन के लिए और दीदार, अच्छे से दीदार करने के लिए उनके कहते हैं कि भगवान हमको बहुत बहुत सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, अच्छे से बच्चों का और सभी का, जितने भी यहाँ भक्तगण आते हैं, जो भी श्रद्धापूर्वक यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, उनके सभी की मनोकामनाएँ पूरी ही होती हैं। साथ इस वक्त मौजूद हैं तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के पुजारी मध्यम कुमार जी, आइए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? आपके चैनल के द्वारा बरेली वासियों, इस मंडल के वासियों के बताना चाहेंगे कि भगवान वेंकटेश तिरुपति बालाजी का मंदिर करीब 1969 में हवाई अड्डा का कोई पायलट था, नायक, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, उनको जैसे स्वप्न में दिया और जब अपना हवाई जहाज उड़ा रहे थे, जैसे हवाई अड्डे वाले वाले जो है पुराने थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्वप्न दिया और स्वप्न देकर कहा कि इस जगह पीपल का पेड़ था, आप देखा होगा बाहर वहाँ पे, जैसे कि इन्होंने 3 मूर्तियाँ नीचे जो हैं श्रीदेवी, भूदेवी, भगवान वेंकटेश का स्थान ला करके अष्ट धातुओं की मूर्तियों को पूजा शुरू किया। स्वप्न दिया तो काफ़ी परेशान हुआ, उतने साउथ इंडियन जितने लोग थे उन लोगों से कहा, फिर आई बार साइंटिस्ट, हवाई अड्डे वाले और जितने साउथ इंडियन बरेली में थे उस समय, उन्होंने एक समिति बनाई थी, शायद जहाँ तक उस समिति का नाम था अहिल्या निर्माण समिति, उसके तहत उन्होंने जैसे कि ज़मीन को लिया, उसमें पूरी जंगल थी, यहाँ पे कोई रहता नहीं था, शहर से काफ़ी दूर थे, 5-6 किलोमीटर खाली जगह निर्जन में, यहाँ पे उन लोगों ने ये मंदिर का स्थापना किया। उसके बाद उस समय से पूजा जो है से शुरू हुई, लोग करते रहे, साउथ इंडियन लोग जैसे कि, उसके बाद जो है कि इसे मालती दरा ट्रस्ट जो कैम्फर के अंदर में था पहले पुराने जो मालिक थे, कैम्फर में मालती दरा ट्रस्ट के द्वारा दे दिया गया उन लोगों के, उन लोगों ने भी मंडप मंडप का निर्माण करवाया था और उसके बाद जैसे कि आज तक वो मालती दरा ट्रस्ट इसे संचालित करिए सारी व्यवस्थाएँ देखती करती है। और इनकी ऐसी महिमा है कि पूरी बरेली में ये मंदिर इस तरह का, जो भी भक्त जुड़ जाते हैं कहते हैं कि पंडित जी यहाँ पे एक अलग तरह का अनुभव होता है, शांति का हो, जो भी हो, उनकी परेशानियाँ उरसानियाँ काफ़ी जैसे कि कम हो जाती हैं यहाँ आने वाले भक्तों से। तो सही है, अब आने वाला मेरे 12 तारीख को यहाँ स्थापना दिवस है भगवान का, 52 साल हो जाएंगे इस मंदिर की स्थापना की, उसमें सुबह से सुप्रभात से शुरू होगा, फिर इसके बाद नवग्रह कलश वर्ष का स्थापना किया जाता है, फिर भगवान के 10 बजे के आसपास अभिषेक शुरू होगा, पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और फल के जूस के द्वारा अभिषेक कराया जाएगा। इसके बाद फिर श्रृंगार होगी, 11 बजे के आसपास हवन का कार्यक्रम शुरू होगा जो करीब 1 घंटा चलेंगे 12 बजे तक, उसके बाद फिर 12 से जैसे कि आसपास उचावली इनका भोग लगेगा, आरती होगा, इसके बाद भंडारा शुरू हो जाएंगे जो करीब 3-3.30 बजे तक चलेगी, आसपास 4 बजे तक, फिर संध्या पूजा जैसे कि 5 बजे से शुरू होगी, उसमें भगवान विष्णु साक्षात विष्णु का इसमें पूजन ज़्यादा होता है, विष्णु सहस्र नाम किया जाएगा, श्री सूक्त किया जाएगा, पुरुष सूक्त का पाठ किया जाएगा
और इसके बाद वेंकटेश के 108 नाम हुए, सहस्र नाम इनके भी है, उसके द्वारा पूजा कराएंगे। साउथ इंडियन हमारे पंडित जी आते हैं, वो आएंगे, उनके साथ और लोग रहेंगे और उसके बाद कल्याण पूजा होगी। कल्याण पूजा में विशेष इस तरह रखा जाता है कि भक्ति, जैसे नाम इसका कल्याण पूजा है, भक्तों को कल्याण किस तरह हो। हर आदमी आज के समाज में इतनी मानसिकता, आर्थिक, सांसारिक परेशानियाँ हैं, तो उसके कम होने के लिए कल्याण पूजा कराया जाता है, जिसमें भगवान की विवाह का निमित्त पूजन होती है, विवाह से संबंधित इनका विवाह कराया जाता है। हमारे तीन अष्टधातुओं की जो मूर्ति हैं, भूदेवी, श्रीदेवी का भगवान वेंकटेश के साथ, और उस पूजन में जो जिस भक्तों का सहयोग आते हैं उसके लिए अलग कुछ शुल्क रख रखा है मंदिर ट्रस्ट ने, वो सारा पूजन का समान उमान जो भी पर प्रसाद मंदिर तरफ से व्यवस्था किया जाता है, उनके नाम गोत्र लेकर के पूजन किया जाता है, ताकि उनकी परेशानियाँ दूर हों, भगवान उनके ऊपर कल्याण करें, उनके आगे भविष्य बाल बच्चों जो भी परिवार के लिए लोग करना चाहें उनको सही हो, भगवान करते हैं। ये मैं अनुभव किया हूँ यहाँ पे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि मान्यता है कि हर बृहस्पतिवार को तिरुपति वेंकटेश्वर महाराज के नेत्र खुलते हैं, उनके चरण चरण के भी लोग दर्शन कर सकते हैं, तो इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या कहानी है? इसके पीछे मान्यता कहानी है कि भगवान सा शरीर तिरुपति में अवतरित हैं, तो भक्तों को गलत करते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं नेत्र बंद कर लूँगा, मैं गलत करता हूँ नहीं देखूँगा। सिर्फ सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार को ये अपने नेत्र खोलते हैं। इस दिन इनके जितने भी भक्त होते हैं वो खुद कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा कोई गलत नहीं किया जाए, और हमारे भगवान वेंकटेश का नेत्र खुला हुआ है, और इनके पास आन के जो भी इस दिन मांगते करते हैं उनकी जैसी इच्छा पूर्ण होती है, और इनका पादुका पैर भी दर्शन होता है बृहस्पतिवार के दिन। दक्षिण भारत के लोग का ही यहाँ पे ज़्यादा आना जाना है या फिर सही प्रकार के श्रद्धालु आते हैं? नहीं, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। साउथ इंडियन तो यहीं जो आईवीआर में आज भी जो लोग हैं, चाहे एयरपोर्ट से, वहाँ से साउथ इंडियन का विशेष लगाव रहता है। हिंदुस्तान से यहाँ बरेली से कम 10,000 लोग तिरुपति जाते हैं वहाँ दर्शन करने, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हमारा बरेली में ही है। इधर जब प्रोग्राम शुरू होता है तो हम लोग जैसे कि प्रचार प्रसार करते हैं, तो काफ़ी भक्त यहाँ के आते हैं, कहते हैं कि पंडित जी तो मैं पहला बार देख रहा हूँ, ये मंदिर के पता चला, ये मैं दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पे सभी लोगों के आते हैं, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय दोनों का संगम है इस मंदिर में पूजा पाठ पद्धति का। यहाँ पर दुर्गा जी का भी है, राधे कृष्ण का भी है, शनिदेव भी हैं, शंकर भगवान भी हैं, हनुमान जी भी हैं, पद्मावती देवी का है जो इनको पत्नी के रूप में स्वीकार किए हैं कलयुग में भगवान ने, गणेश जी का है, अंडाल देवी हैं, गरुड़ जी हैं, मैंने कि यहाँ पे दोनों का समावेश है पूजन पद्धति में हर तरह से। हमने बात की यहाँ पे कई श्रद्धालुओं से और साथ ही साथ बातचीत करी यहाँ पर पंडित जी से, उन्होंने बताया कि तिरुपति वेंकटेश्वर जो भगवान जी हैं उनके नेत्र हर बृहस्पतिवार को यहाँ खोलते हैं, उनके चरण के आप दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। दक्षिण भारत के तिरुपति वेंकटेश्वर के तर्ज पर बनाया गया है ये मंदिर भी। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ आते हैं, जिनकी आस्था यहाँ पर लगातार बनी हुई है, और साथ ही साथ बहुत सी मन्नतें वो लेकर आते हैं जो कि पूरी होती है। मैं आपको बता दूं कि बरेली में मंडल में ये अकेला तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान जी का मंदिर है। आप सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ आएँ और यहाँ पर दर्शन भी करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ, हमारे स्पेशल प्रोग्राम धर्मचक्र में।